गाड़ी है आपकी जिसपे आप ये तेल निकालते हैं, ये एक मखसूस है, तो ये आप कहाँ से बनवाते हैं या क्या करते हैं? पहले इसके कारीगर थे जो बना के दे रहे थे, अभी इसके कारीगर है नहीं, अभी हम ये खुद ही बना लेते हैं, खुद ही हम लकड़ी पैदा ले लेते हैं, खुद ही इसका जो है ना रिपेयरिंग का काम करते हैं। अच्छा, पहले जो कारीगर थे जो बना के दे रहे थे, अभी वो कारीगर ही नहीं। तो ये आपके पास जो मशीन है, ये इसको कम से कम भी 90-95 साल हो गए, क्योंकि ये बर्तानिया के टाइम से लगी हुई है। अच्छा, तो ये किसके पास थी पहले आपके? ये पहले मेरे वालिद साहब से, पहले एक बंदे के पास थी, फिर मेरे वालिद साहब के पास आई, वालिद साहब ने 60 साल से चला रहे हैं, इसके बाद ये मेरे पास आई, मैं इसको 20 साल से चला रहा हूँ। तो जरा सा आप आगे आए और हमें इसके बारे में बताएं, ये जरा मैं इसका, ये वाली है मशीन, ये वो मशीन जो आप बता रहे हैं वालिद साहब के? और ये बस यही काम है हमारा, देसी काम है, पुराना काम है, इसी से हम लोग अपनी चटनी रोटी कमाते हैं और खाते हैं। तो इसमें आपका गुजारा हो जाता है इतना? शुक्र अल्लाह का, जो वक्त निकल जाता है चटनी रोटी मिल जाती है, अल्लाह का एहसान है जो। और तो ये पिछले दिनों कुछ बंद थे और हालात ऐसे थे, उसमें आप थोड़ा बहुत हालात खराब हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, इसके बाद अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत गर्म कर दिया। सबसे नंबर चले गए।